देखिए रामगंज में जो अजमेर की जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, वो सब्जी मंडी के जो विक्रेता है उन्होंने आज बंद कर दिया है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। उनका कहना है कि लगातार पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ निर्णय किए गए थे जिसमें सब्जी मंडी के विक्रेताओं ने ये आश्वस्त किया था शहर वासियों को और प्रशासन को कि किसी भी प्रकार से जो सब्जी और फल का ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं बाधित नहीं होने जाएगा, जितना भी सामान है वो लोगों तक भरपूर मात्रा में पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज ये देखने में आया कि जब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा सब्जी मंडी में बढ़ गई, लोग जो है हुजूम की तरह सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खरीदने के लिए आने लग गए, फल लेने के लिए आने लग गए, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 पालना की बात प्रशासन कर रहा था वो कहीं ना कहीं टूटती भी नजर आ रही थी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और उस सख्ती के साथ लोगों को यहाँ से जाने के लिए जब कहने लगे तो जो व्यापारी यहाँ के हैं, विक्रेता हैं सब्जी के, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से अगर कोई भी ग्राहक यहाँ को खरीदा नहीं होगा तो फिर सब्जी हम किसको बेचेंगे। वहीं इसके पीछे एक जो बैठक हुई थी उस बैठक के दौरान ये फैसला भी किया गया था जिसमें सब्जी के विक्रेताओं को ये कहा गया था कि जो आपके जो छुटपुट जो विक्रेता है जो छोटी सब्जी मंडियों के अंदर सब्जियों को बेचते हैं उन तक बड़ी मंडी से छोटी सब्जी मंडी तक सब्जियां पहुंचाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सीधे पहुंचाया जाए, कोई भी आदमी है वो मंडी तक ना आए इसके लिए एक व्यवस्था की जाए। लेकिन उस व्यवस्था को सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं वो नहीं कर पाए और उनको लगता है कि ये जो व्यवस्था देना शहरवासियों को वो इस वक्त उनके बस में नहीं है, और इसी के लिए उन्होंने आज सब्जी मंडी को बंद कर दिया है। और अब प्रशासन से ये अपील उन सब्जी विक्रेताओं की है कि किसी और तरीके से कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अगर सारी जिम्मेदारी सब्जी बड़ी सब्जी मंडी के विक्रेताओं को दे दी जाए छोटी सब्जी मंडी तक पहुंचाने की तो ये व्यवस्था हो नहीं पाएगी, और इसीलिए उन्होंने राजस्व विभाग और प्रशासन से मांग की है, ये अपील उन्होंने की उनकी ओर से की गई है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो खरीदार है वो सब्जी मंडी तक आ पाए। हालांकि इस खरीदारों की संख्या के अंदर जो ग्राहक हैं, जो घर के ग्राहक हैं, उनके लिए पाबंदी तय कर दी जाए, लेकिन जो बड़ी और छोटी सब्जी मंडी अजमेर के दूसरी जो सब्जी मंडियां हैं वहां के जो विक्रेता हैं वो इस सब्जी मंडी में आकर अपनी सब्जियों को ले जाए, और यहां से छोटी सब्जी मंडी या डोर टू डोर जो इस वक्त डिलीवरी कर रहे हैं वो घर घर तक सब्जियों को पहुंचा पाए। देखना यह होगा कि आगामी जो बैठक विभाग की प्रशासन की होगी उसमें सब्जी को लेकर और फल को लेकर क्या निर्णय किए जाएंगे। श्रीमान जी, लॉकडाउन से पहले हमारी आदरणीय एडीएम सिटी द्वितीय आदरणीय हीरालाल जी एवं डीएसओ 50 जी से एक मीटिंग हुई थी, तो हमने तय किया था कि पूरे लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत सब्जी को ला रहे हो तो सप्लाई चेन नहीं टूटने देंगे, कहीं से भी हम सब्जी की सप्लाई अरेंज करेंगे, और इसके साथ रेट भी नहीं बढ़ने देंगे, ये भी हमने श्योरिटी दी थी। पर अब कुछ दिनों से, 2-3 दिन से मंडी में भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, पुलिस भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही थी, पर कंट्रोल के बाहर जाने के कारण पुलिस प्रशासन ने हमें ये पाबंद किया कि खरीदारों को हम अंदर बिल्कुल ही नहीं एंटर होने देंगे, आप रात तक सिर्फ 12 बजे तक जो खाली लोडिंग टेम्पो अंदर एंटर होंगे, 12 बजे के बाद एक भी खाली गाड़ी अंदर एंटर नहीं होगी, और ख़रीदार को एक को भी हम अंदर जाने नहीं देंगे, अगर ख़रीदार ही नहीं आएंगे तो हम सब्जी किसको देंगे। उनका कहना था कि आप शहर में ऑर्डर लेके दुकानदार को सप्लाई करो, ये संभव नहीं हो पाएगा, और दूसरी व्यवस्था अगर कोई बैठती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, पर ऐसी परिस्थितियों में भीड़ भी ज़्यादा आवे और हमारा माल का भी नुकसान होए, हमने आज से ये तय किया कि बाहर से कोई भी माल नहीं मंगाएगा, और मंडी तो किसानों के लिए खुली हुई है, 24 घंटे ही वो अपना माल ला के बेच सकते हैं, पर समय और ख़रीदार वो प्रशासन से तय करे कि अगर अंदर ख़रीदारी आएगा नहीं तो उपज कौन लेगा, कौन खरीदेगा, या तो आप भी उनको दिशा निर्देश या गाड़ियाँ लगाओ आप खेतों में कि वहाँ से डायरेक्ट लेके आप डायरेक्ट सप्लाई करो। तो इस संबंध में हमने निर्णय लिया कि लॉकडाउन में हम भी सरकार का साथ देंगे
और 14 तारीख तक हम कोई भी सब्जी नहीं मंगाएंगे। सब्जी मंडी का सब्जी कोई किसी ने नहीं मंगाई। और फल फ्रूट? फल फ्रूट को इक्के दुक्के आएंगे, उन्होंने भी डर के मारे नहीं मंगाए थे। सीआई साहब ने क्या कहा? सीआई साहब ने ये कहा था कि भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही है और अनकंट्रोल है, तो ख़रीदारों को तो हम किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने देंगे। ख़रीदार ही नहीं आएगा तो फिर हम सब्जी लगभग किसको कितने का नुकसान होगा रोज का? देखो नुकसान का तो ये है कि देश हित में कोई भी आदमी उसकी नुकसान की परवाह नहीं करता, पर हाँ ये ज़रूर है कि किसान हमसे जुड़े हुए हैं। अभी जो उनकी उपजों के वैसे ही कोई दाम नहीं मिल रहे हैं, अगर वो मंडी में नहीं लाएंगे तो उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका नाम? राजकुमार तुलसियानी, सब्जी व्यवसायी। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।